जय हिंद दोस्तों। जिस वीडियो का आपका सबसे ज़्यादा इंतजार था, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के सैलरी से लेकर, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या डिडक्शन होती है, कैसे होती है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशन। देखिए, सैलरी एक ऐसी चीज है जो हमेशा आदमी को मोटिवेट करती है। आपका रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, इनका एग्जाम भी होने वाला है 4 महीने के अंदर, तो आपको ये हमेशा मोटिवेट करती है कि आपकी सैलरी कितनी होती है, क्या लाइफ स्टाइल हो जाएगी, ये सब चीज़ है। बाकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना दिया हूँ, वो भी जाके देख सकते हो आप। तो इस वीडियो में पूरा देखिएगा, आपको बताता हूँ डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक कोई नहीं बताया होगा। तो ऑपरेटर की जो सैलरी होती है, पहली बात की वो 4200 ग्रेड पे होती है, लेवल 6 की जॉब होती है। बेसिक जो बनती है 49,000 के आसपास बनती है, और ग्रॉस टोटल 59,000 के आसपास, 59,000 के आसपास बनती है, जो कि उसमें कुछ डिडक्शन होता है उनका, तो 15 से 18,000 के आसपास कट जाता है। एचआरए ज़्यादा मिलता है, 6 से 7,000 एचआरए मिलता है। एचआरए देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपका सिटी टू सिटी वेरी करता है एचआरए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वाराणसी एक सिटी में होता है तो इसमें एचआरए थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इनका सैलरी जो होता है इन हैंड ऑलमोस्ट दरोगा के बराबर ही मिल जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है। और आपको ये पता है कि हेड ऑपरेटर एक ऑफिस वर्क है, आप टेक्निकल डिग्री चाहिए होता है, और इनका आप जो भी अब करते हो तो अब एनपीएस कटता है, तो आपकी जो भी सैलरी होती है उसका 10% एनपीएस कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है, तो बहुत अच्छी है। टोटल मिला जुला के आपको इनको इन हैंड सैलरी आपका 50K, मतलब 50,000 के ज़्यादा, 50,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिल जाती है। ये बात आप याद रखिए, अगर जो लोग हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्वार्टर वाटर भी अच्छे मिलते हैं, सरकारी क्वार्टर होती है, लाइन में मिल जाती है, अच्छे क्वार्टर्स मिल जाते हैं। मैंने बता दिया आपको, लाइन में मिल जाती है क्वार्टर, क्वार्टर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। बाकी क्या काम होता है, कैसे क्या काम करते हैं, तो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको जाकर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके वर्कशॉप को लेकर, वर्कशॉप में क्या क्या होता है। वर्कशॉप देखिए, एक कांस्टेबल रैंक का पोस्ट है, आप ये मत समझिए वर्कशॉप से नाम दिया गया है, नाम दिया जाता है वर्कशॉप से, इसका मतलब ये नहीं होता कि मजदूरी वाले कोई काम करते हैं ये लोग, ठीक है। कांस्टेबल रैंक के होते हैं, हेड ऑपरेटर जो होता है दरोगा रैंक का होता है, 1 स्टार होता है, फिलहाल अभी 2 स्टार की बात चल रही है। तो वर्कशॉप की जो अपनी बेसिक सैलरी जो होती है वो ग्रेड पे होता है, 2000 ग्रेड पे होता है, और बेसिक सैलरी उनकी 21,700 होती है। उनको जो है एचआरए मिलता है, देखिए 42% सबमिट डीए मिलता है आपको, ये बात याद रखिएगा। एचआरए जो होता है उनको सिटी टू सिटी, आपको पहले ही बताया कि वैरी करता है, इस सभी में वैरी करेगा। तो इनका जैसे बनारस के हिसाब से मान लें तो 1800 से लेकर 2500 के आसपास, मतलब अलग अलग सिटी में है, तो बनारस में यही मिलता है 2000 के आसपास आपको एचआरए मिल जाता है, तो कांस्टेबल रैंक को। और इनका मेन बेसिक काम होता है, जैसे कि आप वॉरलेस हेड देखे होंगे, गाड़ियों में देखे होंगे, पुलिस स्टेशन में देखे होंगे, थाने में देखे होंगे, चौकी पे देखे होंगे, मेरे ऑफिस में है, मतलब हर जगह है वायरलेस हेड। तो इनका रिपेयरिंग का काम होता है, अगर कुछ बिगड़ जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो उसको बनाने का काम होता है। तो बाकी इनके भी जॉब प्रोफाइल मैंने डाल रखा है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। आप एनपीएस कटाते हैं तो एनपीएस कटाएंगे तो आपको 10% आपका एनपीएस कटेगा, 14% आपको गवर्नमेंट देती है। इन हैंड आपकी सैलरी 32,000 के आसपास टोटल हो जाता है इनमें कांस्टेबल का। अब बात करते हैं आपका थर्ड इंपॉर्टेंट, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर ये भी, ये आप जान लीजिए कि ये दीवान का पोस्ट होता है, मतलब हेड कांस्टेबल जो बोलते हैं। आपको ये भी बताते चल रहा हूँ बेसिक किस पोस्ट पे क्या क्या काम होता है, ठीक है। ये वर्कशॉप से एक लेवल ऊपर होता है, जैसे कांस्टेबल, दीवान और सब इंस्पेक्टर ऐसे होता है, तो ऐसे इनका काम होता है। तो दीवान बोला जाता है डिपार्टमेंट में, हेड कांस्टेबल, ठीक है। इनकी बेसिक ग्रेड पे जो होती है 2400 ग्रेड पे होती है, इनका ग्रॉस जो है 38,500 के आसपास बनता है, और कट कुट के इनको भी सेम चीज़ वही जो आपको बताया, डीए उतना ही पड़ेगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेंस ये सब चीज़ें मिलती है, टीएडी आप कहीं जाते हो तो वो सब भर सकते हो। तो इन हैंड आपको 34,000 के आसपास आपको असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में भी सैलरी आपको मिल जाती है। तो आपने देखा एक चीज़ कि सैलरी, आपने देखा एक चीज़ कि सैलरी सबकी अच्छी है, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे किसी के काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, टाइम लिमिटेड की ड्यूटी होती है, ऑफिस में काम करना होता है, फुल्ली मस्त एसी वाला ऑफिस रहता है, क्वार्टर में मिल जाते हैं इनको इजीली, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है। और कैसे पोस्टिंग होती है, क्या काम होता है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो को लास्ट में आप जाके देखोगे तो उसमें मिल जाएगा वीडियो, और मोटिवेशन मैं सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे उसमें देखने के लिए, तो कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको जाके देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको रेडियो ऑपरेटर से लेकर असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, क्या काम होता है, कैसे काम होता है। ये बस एक मोटिवेशन के तौर पर आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ। कमेंट कर रहे थे जैसे मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डाला है, तो अगर आप कमेंट करोगे कि और किसकी सैलरी के बारे में बतानी है तो मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। कैसा लगा वीडियो भाई, कमेंट करके बताओ। जय हिंद।